आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमने लास्ट क्लास में एक स्टोरी टाइप पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्टूडेंट हैं आमना है और उसका भाई है, उन्होंने किस तरीके से एलसीएम इस्तेमाल किया और अपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया। सो हमने पढ़ा था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो ऐसा है कि अब इसमें हमने एक ही चीज़ को माइंड में रखना है, वो क्या है कि हमने मल्टीपल्स देखने हैं एक से दो नंबर के, और फिर देखना है कि किस पॉइंट पे, किस नंबर पे ये दोनों सेम हो जाते हैं। सो आज हम देख रहे हैं पेज नंबर 53। सो पेज नंबर 53 पे देखें कि आज हम क्या करने वाले हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। Let's get started. Least common multiple of 3 and 5. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो टेबल्स दिए गए हैं जिनको हमने मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर उनका कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन तो खुद ही पता चल जाएगा जब ऑब्वियसली हमें नंबर्स पता होंगे। सो हम देखते हैं लिस्ट द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। द मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5 है 10, 15, 25, 30, 35 एंड 40। सो लेट्स सी हियर कि कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। 5 कॉमन है? नो, 15 कॉमन है। और उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है? आई थिंक नहीं आ रहा है। सो एम आई राइट? लुक एट द पेज। 15 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 एंड इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट्स दैट? टू नंबर्स हम लेंगे, उनका मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो कि सबसे पहले आता है और सबसे छोटा है। सो अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो के हैं एग्जाम्पल फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 10। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेम थिंग, 4 और 10 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। सो 4 के मल्टीपल्स क्या है आप टेबल रिमाइंड करें, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 भी है। और 10 के मल्टीपल देखते हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। सो 40 में, 4 के टेबल में 40 भी आता है। सो अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या आ रहा है जो कि दोनों में कॉमन है। देयर इज अ मैच एट 20। इट लुक्स लाइक दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 10। So at the point of 20, 4 and 10 मिल जाएंगे। All right. So अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस में हमारे पास क्या है? Find the least common multiple for each number pair. अब हमारे पास pairs हैं जिनके 6 questions हैं। उनमें से 2 questions जो हैं आपको अभी solve करके दिखाया जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 एंड 10। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल के जरिए, क्योंकि मल्टीपल्स हमने सीखे हैं। सो 10 के 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 है या 30 है? 30 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? यस, सो 30 के मल्टीपल्स होंगे 30, 60, 90। और राइट, और उसके बाद 10 के मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकाल लेते हैं या फर्स्ट 4 निकाल लेते हैं। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा एंड 40 होगा। सो अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। इनमें कॉमन आ रहा है 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, बट 30 है। सो 30 इज द LCM of 30 and 10।
अब देखें और भी कॉमन आते हैं, जैसे 60 भी 10 में आएगा और 30 में भी आएगा, 90 भी 10 में आएगा और 30 में भी आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, मतलब सबसे पहला ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है जी 15 एंड 6। सो 15 का टेबल अब हम लिखेंगे। 15 का टेबल क्या है? 15 है, 30 है, 48 है, 60 है, 75 है। सो अब हमने कितने काउंट कर लिए हैं? 5 तक। अब हम 6 को 5 तक कर लेते हैं। 6 है, 12 है, 18 है, उसके बाद 24 है, 6 5s आर 30 भी है। सो हमने दोनों को 5 5 तक कर लिया है। 15 जो है उसके टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 6 में आता है? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर जो मैच हो रहा है वो है 30। वेरी गुड। सो 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 6। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां पे हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं LCM, LCM by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है जी ऐसे नंबर जो कि प्राइम हो और उनको हम मजीद डिवाइड ना कर सकते हो, ठीक है, और फैक्टर भी हो और प्राइम भी हो। अब देखें प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो हमने पहले पढ़ा था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ अपने टेबल पे या फिर वन पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज हैपनिंग इन द पेज 54। टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज डिस्कस्ड हियर। स्टेप वाइज आपको बताया गया है, विच इज वेरी कन्वीनियंट। ऑब्वियसली रिजॉल्व ईच गिवन नंबर इन टू इट्स प्राइम फैक्टर एंड एक्सप्रेस द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, सो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करना है जो कि हम एक्सप्रेस करेगा फैक्टर ऑब्टेन्ड इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट अकर इन एनी ऑफ द गिवन नंबर। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इज द रिक्वायर्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा नंबर है जी 9 एंड 15। अब देखें आपने यहाँ पे देख रहे हैं 9 को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमने छोटे फैक्टर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा फैक्टर जो कि प्राइम होता है वो होता है 2, लेकिन 2 जो है 9 पे डिवाइड, 2 9 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम उसे अगले प्राइम फैक्टर की तरफ चले जाएंगे। अगला प्राइम नंबर है 3। सो हम 3 को देखते हैं, क्या ये 9 का फैक्टर है? यस, 3 9 का फैक्टर है, क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर सकता है। 3 को जब हमने 9 से डिवाइड कर दिया है तो क्या आ गया? 3 आ गया। अगेन हम 3 को लिख देंगे, क्योंकि 3 इटसेल्फ किसी पे नहीं जाता, सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है। सो हमने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास दो प्राइम फैक्टर आ गए हैं जो कि है 3 एंड 3। नाउ चेक द 15। 15 जो है 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तभी तो हमने 3 लिया है यहां पर। जब हमने 2 पे नहीं डिवाइड होगा तो हम 3 ले लेंगे, 3 पे नहीं होगा तो 5 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है। सो हमने 3 पे डिवाइड कर दिया 15 को। 5 5s are 15 आ गया। अब हम 5 को किस पे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 5 पे करेंगे, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है और प्राइम फैक्टर भी इसका इटसेल्फ ये खुद ही होगा। 5 पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास अगेन 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 3 3 9 का एंड 3 5 15 का। अब हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट, हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है जी 3। अब ये जो 2 3 लिखे हुए हैं ना आपके पास ग्रीन बार में, ये जो 2 3 हैं इनको हम 1 3 काउंट करेंगे, ठीक है।
कॉमन नंबर जो होगा वन काउंट होगा, राइट। सो एक थ्री जो है वो कॉमन है, एक थ्री हमने ले लिया है, दूसरा जो उसके साथ कॉमन मैच हो रहा था उसको हमने समझे मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास है जी एक थ्री है और फाइव है, और एक थ्री जो है हमारे पास कॉमन है, दो जो है वो अनकॉमन है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ऑरेंज बॉक्स में देखिए द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। अब देखें एक कॉमन है, दो अनकॉमन है, राइट। एक जो कॉमन है वो है थ्री और जो अनकॉमन है वो है थ्री एंड फाइव। आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज नाइन, नाइन मल्टीप्लाई फाइव इज 45। सो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो के 15 और 9 को एक जगह पे मिलाता है वो क्या होगा, 45 होगा। सो दिस इज द टुडेज क्लास। हमने आज पढ़ा है कि हम मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं जो कि सिर्फ टेबल से करते हैं, और फिर हम उनको कॉमन कैसे देखते हैं, और हमने पढ़ा है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से अपने नंबर्स के मल्टीपल्स तक पहुंच सकते हैं, विच इज क्वाइट इजियर, राइट। सो टीचर आपको कॉल करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आपने आज दो मेथड पढ़े हैं और आपको कौन सा समझ आया है, कौन सा नहीं आया है, या दोनों समझ आ गए हैं, बिकॉज आई नो आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, आप सिंपली वीडियो पॉज करें और दोबारा से देख लें। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।